तो आज हमारी बात शिक्षा मंत्री से हुई है। कल शाम में 5 बजे हम लोग हम इनके आवास पे जाएंगे भी, मिलेंगे भी इनसे। नमस्कार, मेरा नाम मुस्तफ़ा हुसैन है और आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। देखिए, पिछले कुछ दिनों से या फिर ये कहें कि महीनों से हम लोग STT का मुद्दा उठा रहे हैं, मतलब उसमें क्वालिफाइड हो, नॉन क्वालिफाइड हो, मेरिट हो या फिर जो भी है STT में उठा रहे हैं। लगातार जो भी हमारे रिपोर्टर हैं शिक्षा मंत्री से और उसके बाद से इसके प्रधान सचिव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग STT के मुद्दे पर, ये शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी और जो संजय सिंह जो ये हैं, ये जो लगातार मिलने से आनाकानी कर रहे हैं। तो हम लोगों को एक बात जो है, ये शिक्षा मंत्री का और प्रधान सचिव जो हैं उनका एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि जब सेम ये इस टाइप का जब ये खेल हो रहा था राजभवन में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का, तब यही शिक्षा मंत्री उस वक्त इतने एक्टिव हो गए थे कि राजभवन में जाकर राज्यपाल को मतलब ये करना, CM का लेटर लेकर जाना कि उस पर जांच करवाया जाए। उस वक्त तो ऐसा देख कर लग रहा था कि बिहार के अब तक के सबसे एक्टिव शिक्षा मंत्री हैं, सारा सब कुछ लग रहा है कि शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब यहाँ का शिक्षा का स्तर लगता है बढ़ेगा। लेकिन जब फिर उसके बाद से वहाँ होने के बाद जब STT पर ये जो भी इनसे मतलब सवाल पूछा जाता है, उस सवाल पर ये जो हैं लगातार मौन हो जा रहे थे, लगातार मतलब कुछ बोलना बताना कुछ भी नहीं। ये हम NBC से क्या किसी भी चैनल से मतलब ये जो है STT रिगार्डिंग मतलब कोई भी है ये बात करना चाह ही नहीं रहे थे। और चूँकि मामला भी न्यायालय में है तो एक रीज़न ये भी हो सकता होगा, हम भी काफ़ी दिनों से इनसे ट्राई कर रहे थे बात करने की। तो आज हमारी बात शिक्षा मंत्री से हुई है और आज हमारी बात भी हुई है। कल शाम में 5 बजे हम लोग हम इनके आवास पे जाएंगे भी, मिलेंगे भी इनसे। चूँकि कोरोना का वक्त है तो काफ़ी ये कर के मतलब सुरक्षा को ये करते हुए रिक्वेस्ट किए, तो हम लोग कल उनसे मिलेंगे शिक्षा मंत्री से। कल 5 बजे शाम का टाइम दिए गए हैं। उसमें हम मतलब जो भी शिक्षा मंत्री से हैं, हम लोग लगातार उनसे मतलब हमारा यही कहना है कि जब हाई कोर्ट का सारा सब कुछ ये है तो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट है, नॉन क्वालिफाइड है या फिर मेरिट है या फिर जो भी हैं, मतलब सबको मिलाकर आप कुछ डिसीजन लीजिए। इस टाइप से मतलब पेंडिंग में रख कर सारे स्टूडेंट जो हैं एक दूसरे से लड़ाना, मतलब ये करना, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सरकार का ही चाल है कि मेरिट, नॉन मेरिट, क्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड, ऐसा इस टाइप से मतलब करवा कर एक दूसरे पर माथा फोड़ना, वो मतलब मेरिट वाले उसको बोलना है, नॉन मेरिट वाले उसको बोलना है। तो इस टाइप से हम लोगों को लगता है कि थोड़ा मतलब जो न्याय है मेरी मतलब STT वालों के साथ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब इन लोगों को सबको एकजुट होकर, जैसा कि पहले ही हम बोले थे कि इन लोग सबको एकजुट होकर जब मामला न्यायालय में चल रहा है और अभी प्रेजेंट में ही पटना हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर भी किया है कि तो मतलब इसको शिक्षा विभाग को कि आपको मतलब ये जितना जल्दी हुई इसका जो आप लोग जो इसमें विज्ञापन से छेड़छाड़ किए हैं इसको लेके काफ़ी मतलब किरकिरी भी हुई है पटना हाईकोर्ट में। तो ये सबको देखते हुए मतलब हम लोग इसी टॉपिक पर कल शिक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं और मिलकर हम लोग मतलब जो भी है इनसे फुल एंड फाइनल कर लेंगे, ठीक है, कि सरकार का मंशा क्या है, कि 40,000 बहाली है, 20,000 बहाली है, क्या है, किस मतलब कितने लोगों को रखना है, नहीं रखना है। अगर हम वहाँ पे गए तब तो हम लोग 1-to-1 मतलब डायरेक्ट उनसे बात करेंगे, यस या नो जो भी होगा, मतलब उनसे मिलेंगे। मिलने के बाद जिस टाइप से ये होता है हम लोग आपको फिर जो है कल शाम में जो है लाइव पे बैठेंगे, कल शाम में या फिर परसों मॉर्निंग में, और जिस टाइप से ये होता है मतलब आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। और जब तक ये शिक्षा मंत्री इसका जवाब नहीं देंगे इनको हम लोग रगड़ते रहेंगे रोज़, मतलब कल भी जाएंगे, अगर इनको जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे हंस कर दें या रो कर दें, लेकिन इनको जवाब देना ही पड़ेगा। नमस्कार।